श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 68 से 72। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्य संशयः। जो इस गीता रूपी परम रहस्य को भक्तों में कहेगा उसके लिए भक्ति योग की प्राप्ति निश्चित है और अंत में वह मेरे पास लौट आएगा। तात्पर्य, सामान्यतः यह परामर्श है कि भगवद गीता की चर्चा भक्त गोष्ठी में ही की जाए, क्योंकि जो भक्त नहीं है वे ना तो श्री कृष्ण के तत्व को जान सकते हैं और ना भगवद गीता को समझ सकते हैं। जो श्री कृष्ण को तत्व से और भगवद गीता को यथार्थ रूप में नहीं मानते वे स्वेच्छा पूर्वक गीता के अर्थ का अनर्थ करके अपराधी ना बने। भगवद गीता का पात्र वही है जो श्री कृष्ण को भगवान स्वीकार करता हो। यह केवल भक्तों की विषय वस्तु है, मनोधर्म करने वालों का तो इसमें प्रवेश भी नहीं है। फिर भी जो कोई भगवद गीता को उसके यथार्थ रूप में प्रस्तुत करने का निश्चल प्रयास करता है वह भक्ति योग की क्रियाओं में उन्नति करता हुआ शुद्ध भक्ति योग की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। इस शुद्ध भक्ति के प्रताप से उसके लिए अपने घर भगवान के पास वापस लौटना निश्चित है। ना च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भवितानां च मे तस्मान् अन्यः प्रियतरो भुवि। उससे अधिक मेरा प्रिय सेवक ना तो इस संसार में कोई है और ना ही कभी उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई होगा। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहं इष्टः स्यामिति मे मतिः। और मेरी घोषणा है कि जो कोई हमारे इस पावन संवाद रूप गीता शास्त्र का पाठ करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। श्रद्धावान अनसूयश्च ऋणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम्। जो कोई द्वेष रहित पुरुष श्रद्धा भाव के साथ इस गीता शास्त्र का श्रवण करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्य आत्माओं के लोकों को प्राप्त होगा। तात्पर्य, 67वें श्लोक में श्री भगवान ने स्पष्ट कहा है कि जो उनसे द्वेष करते हैं उन्हें गीता ना सुनाएं। भाव यह है कि भगवद गीता केवल भक्तों के लिए है, परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवत भक्त इसका जन साधारण में पाठ करते हैं। ऐसे वर्ग में सब भक्त नहीं होते। भक्त के इस कार्य का औचित्य दिखाते हुए श्री भगवान कहते हैं कि सुनने वाले सब मनुष्य भक्त नहीं होते, यह सत्य है, परंतु उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो श्री कृष्ण से द्वेष नहीं करते। वे श्रद्धावान हैं, उन्हें भगवान मानते हैं। यदि इस कोटि के पुरुष सच्चे भक्त के मुखारविंद से भगवत कथा मृत का श्रवण करें तो परिणाम में तत्काल संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्यवानों के लोकों को प्राप्त हो सकते हैं। अतः जो शुद्ध भक्त बनने के लिए प्रयत्न तक नहीं करता भगवद गीता के श्रवण मात्र से वह मनुष्य भी पुण्य कर्मों के फल को प्राप्त हो जाता है। अतः शुद्ध भगवत भक्त गीता मृत प्रदान कर प्राणी मात्र को संपूर्ण पाप बंधनों से छूटकर भगवत भक्त बनने का अवसर देता है। पाप मुक्त पुरुष सामान्यतः पुण्य कर्मों के परायण रहते हैं, इसलिए वे कृष्ण भावना को बड़े सहज रूप में अंगीकार कर लेते हैं। पुण्य कर्मणाम शब्द यज्ञ करने वाले मनुष्यों का भी वाचक है। जो पुण्यात्मा पुरुष भक्ति योग का आचरण करते हैं परंतु शुद्ध नहीं है वे ध्रुव आदि लोकों को प्राप्त कर सकते हैं। ध्रुव महाराज भगवान के महान भक्त हुए हैं, इसलिए उनका अपना ध्रुव लोक है। कच्चिदेतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। हे अर्जुन, क्या तूने यह शास्त्र एकाग्रचित से सुना और क्या इससे तेरा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया? तात्पर्य, श्री भगवान अर्जुन के गुरु पद पर आसीन हैं, अतः उनका कर्तव्य बनता है कि अर्जुन से पूछें कि क्या वह संपूर्ण भगवद गीता को यथार्थ रूप में समझ गया। यदि वह ना समझा हो तो श्री भगवान किसी भी अंश का अथवा पूरी भगवद गीता का फिर उपदेश करने को प्रस्तुत हैं।
वास्तव में जो कोई श्री कृष्ण अथवा उनके प्रतिनिधि रूप योग्य गुरु से भगवद गीता को सुनेगा वह अपना संपूर्ण अज्ञान नष्ट हुआ पाएगा। भगवद गीता किसी कवि अथवा लेखक द्वारा रचित कोई साधारण पुस्तक नहीं है, यह साक्षात पर ब्रह्म के मुखारविंद की वाणी है। जो भाग्यवान पुरुष श्री कृष्ण अथवा उनके सच्चे परमार्थिक प्रतिनिधि के मुख पद्म से इस उपदेशामृत का श्रवण करता है वह निसंदेह अज्ञान से छूटकर मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।